नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्वादिष्ट भोजन में आप सभी का। दोस्तों आज हम बनाएंगे नींबू पानी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दो तरीके से नींबू पानी बनाऊंगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो पर जो नए हैं नीचे दिए और लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को बजाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं नींबू का रस ली हूँ, आप देख सकते हो। काला नमक ली हूँ, सादा नमक ली हूँ, भुना हुआ जीरा ली हूँ, काली मिर्च ली हूँ और चीनी ली हूँ, लेमन किस तरह काट कर ली हूँ और पुदीना पत्ता ली हूँ और एक नींबू ली हूँ और आइस ली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं एक नींबू ली हूँ और उसके बाद कद्दूकस ली हूँ। अब इसको हम छोटे तरफ से कद्दूकस करेंगे। तो हम नींबू को दोस्तों इस तरह कद्दूकस करें कि उसका अंदर का भाग बिल्कुल ही ना आए, सिर्फ ऊपर का ही आना चाहिए उसका छिलका, जो आप हरा हरा है आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप कद्दूकस करें, नहीं तो अंदर का आ जाएगा तो तीखापन आ जाएगा दोस्तों, इसलिए हम ऊपर का और हल्के हाथ से इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरह से मैं कद्दूकस की हूँ, ये देखिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो गिलास लूँगी और एक में डालूँगी वो नींबू जो कद्दूकस करके उसके छिलके ली थी। तो ये देखिए, उसको डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम डालेंगे ये लेमन के जूस। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब लेमन जूस डालूँगी और यहाँ पे पुदीना पत्ता इतना सा डाली हूँ और फिर उसके बाद आइस डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं 1 चम्मच चीनी डालूँगी और 2 नींबू इस तरह पीसेस में कटे डालूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं काला नमक डालूंगी और थोड़ा सा सादा नमक डालूंगी। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। तो ये देखिए, पानी डालने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा अच्छे से इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा 1 गिलास नींबू पानी बनके तैयार हो गया है। अब हम दूसरे गिलास तैयार करेंगे। तो सबसे पहले दूसरे गिलास में हम दोस्तों डालेंगे 2 चम्मच के करीब लेमन जूस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच डालूँगी चीनी। ये देखिए, चीनी डालने के बाद दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे सादा नमक और काला नमक को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं डालूँगी भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डालूँगी और इतना सा पुदीना पत्ता डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 नींबू के कटे हम इस तरह से टुकड़े डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे पानी। ये देखिए, पानी डालने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से सारे, मतलब नमक ये सब जो मैं मसाले डाली हूँ इन सबको हम अच्छे से इस तरह से पूरा मतलब मिला देंगे पानी में। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ पे आइस डाल देंगे। देखिए, आइस डालने के बाद दोस्तों हम डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर से भुना हुआ जीरा और उसके बाद थोड़े से डाल देंगे पुदीने पत्ता इस तरह से। और डालने के बाद ये रहा हमारा नींबू पानी बनके तैयार हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।